आदर्शी बनाना और जो काम ठीक न करे उसको जवाबदेह बनाना, इसका भी हमने एक अभियान लिया है। जितना पैसा हम भेजेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है तो टेक्नोलॉजी से हर चीज को मॉनिटर भी किया जा सकता है। वो समय अब खत्म हो गया कि जब कोई प्रधानमंत्री भी ये कहता था कि एक रुपया ऊपर से भेजा जाता नीचे 15 ही पैसे पहुंचते हैं। अब तो टेक्निकली एक रुपया अगर भेजा जाएगा तो एक ही रुपया खाते में नीचे जाएगा, बीच में कोई स्कोप नहीं है उसमें से कोई एक भी पैसा निकाल ले। इसलिए उस पारदर्शिता को लाने के लिए ई टेंडरिंग की व्यवस्था हमने शुरू की थी और ई टेंडरिंग की व्यवस्था में एक लिमिट, जो कि पहले तो तकरीबन बड़ी राशि का काम सरपंच ई टेंडरिंग के बिना ही करवाते थे, लेकिन इस बार एक लिमिट लगाई थी हमने पहले तो 2 लाख रुपए की, कि 2 लाख रुपए से नीचे के जो काम है वो लोग कोटेशन के आधार पर करा सकते हैं, 2 लाख या इससे ऊपर के काम सारे ई टेंडरिंग पर होंगे। अब थोड़ा विवाद हुआ कि नहीं, 2 लाख रुपया बहुत कम है, इससे तो शायद एक गली भी नहीं बनती है, फिर हमें अलग अलग से छोटे छोटे काम कराने पड़ते हैं। उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए, मांग तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन हमने सब विचार विमर्श करने के बाद बहुत से सरपंचों से अलग अलग भी बात हुई, जनता के लोगों से भी बात हुई। सो फार सो, अभी 2 दिन पहले हिसार में किसानों का एक मेला था, कृषि मेला में लगभग 10,000 से ऊपर संख्या थी जहां मेरा संबोधन हुआ, और मैंने खुल करके पूछा, मैंने कहा ये ई टेंडरिंग के विषय में हमको जो हमारा स्टैंड है ठीक है कि नहीं है, तो सब ने हाथ खड़े करके और खूब तालियां बजाकर कहा कि ये बहुत अच्छा स्टेप है, इससे भ्रष्टाचार भी रुकेगा, पारदर्शिता भी होगी, काम करने वाले लोगों को, नए लोगों को भरने का भी अवसर मिलेगा, वरना तो वही फिर अपने अपने लोग और घूम घाम के उन्हीं को काम मिलता वही करते हैं, दूसरे नए आदमी को आने का अवसर मिलता नहीं है। तो ई टेंडरिंग के कई फायदे हमारे हैं, तो उसमें से मैं ये तो नहीं कह सकता कि हर एक सरपंच मान गया होगा, लेकिन अधिकांश सरपंचों ने हमारी बात मान करके और काम कराने शुरू कर दिए हैं। हमने इसमें थोड़ा उनकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए अभी निर्णय लिया है कि ये 2 लाख की बजाय इस लिमिट को हम 5 लाख रुपया कर रहे हैं, और 5 लाख रुपए तक के काम वो कोटेशन के आधार पर करेंगे, 5 लाख से ऊपर के काम सभी ई टेंडरिंग से होंगे। हाँ, 5 लाख तक के काम जो हमारी बातचीत तो सारे प्रतिनिधिमंडल से हुई है, उन्होंने उसको स्वीकार किया कि जो भी कोटेशन का काम होगा, लिमिट चाहे कुछ भी होगी, लेकिन उसका ऑडिट ये जरूर होगा, और ऑडिट का सिस्टम भी अब जिसको कहना चाहिए कि ऑनलाइन प्रणाली से ही होगा, ऑनलाइन प्रणाली से ही उसके जो एस्टीमेट हैं वो तैयार किए जाएंगे, ऑनलाइन उसकी एमबी भरनी होगी, बिल भी अपलोड होंगे, भुगतान जो है वो भी एक कॉमन पोर्टल से होगा। विषय आएगा रेट का, रेट्स 2 प्रकार के ये प्रचलित हैं, एक है HSR रेट्स, हरियाणा शेड्यूल्ड रेट्स, दूसरे हैं DC रेट्स। लोकल लेवल पर DC रेट शायद इसीलिए बनाए गए हैं कि हर जिले में इस प्रकार की चीजों के रेट थोड़ा डिफर करते हैं, चाहे रेत का रेट है, चाहे ईंटों का रेट है, चाहे मानो टाइल्स का रेट है, क्योंकि जो बल्की मटेरियल होता है उस रेट को वहां के लोकल परिस्थिति के हिसाब से रखना पड़ता है, उसका फ्रेट कितना लगता है, कितनी दूर से लाना पड़ता है, इसलिए एक ही रेट नहीं रखा जा सकता। जहां ईंटें बनती हैं वहां थोड़ी सस्ती मिलेंगी, जहां ईंटें बनती ही नहीं है दूर से आती हैं तो स्वाभाविक है ईंट के रेट से एक बहुत बड़ा प्रतिशत उसका फ्रेट में जाएगा। यही स्थिति मिट्टी की, रेत की, इंटरलॉकिंग टाइल्स की, कभी कभी मजदूरी भी अलग अलग होती है, कुछ स्थानों पर मजदूरी सस्ती होती है, कहीं कहीं NCR एरिया में मजदूर महंगा मिलता है, तो उन रेट्स का थोड़ा डिफरेंस ये हमेशा रहता रहा है। इसमें अब उनकी मांग क्या थी कि इन रेट्स को रियल लेवल पर लाया जाए जो मार्केट रेट है। हमने निर्णय करके उनको बता दिया है कि कुछ आइटम्स, खास करके जैसे इंटरलॉकिंग आइटम्स हैं या ईंटें हैं, जो एक स्टैंडर्ड कुछ तय किया जा सकता है उसका, इसका रेट कंट्रैक्ट करेंगे हर जिले का, ब्लॉक का है, जिले का सर, जिले का है सर। हाँ। उसे ब्लॉक लेवल पे अगर कोई वेरिएशन आती है तो कैप्चर करते हैं, बट ये डीसी रेट जो ब्लॉक लेवल पे करते हैं, इंटरलॉकिंग का जो रेट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही रेट कॉन्ट्रैक्ट होगा। उस रेट से सस्ता कोई लेना चाहे लेके लगा सकता है, क्वालिटी जो तय होगी उसका पैरामीटर तय होगा वही ली जाएगी, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कुछ नेगोशिएशन करके सस्ता भी लेना चाहता तो ले सकता है, लेकिन मैक्सिमम रेट वही होगा जो रेट कॉन्ट्रैक्ट होगा। रेट कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज टेंडर करेंगी, जो उसमें पार्टिसिपेट करेंगी और रेट मैचिंग जो करेंगी L1 को, उनको सबको सप्लाई करने का अवसर दिया जाएगा, किसी से भी मटेरियल जो है वो लिया जा सकता है। फिर इसकी जो गुणवत्ता की जांच करने के लिए सोशल ऑडिट सिस्टम,
इसको हम स्थापित कर रहे हैं, अगले 6 महीने के अंदर इसका विधिवत एक सिस्टम बन जाएगा, वही गांव के प्रमुख लोगों की टीम बनेगी, वही उसका ऑडिट करेंगी, जिसके अंदर कुछ रिटायर्ड लोग होंगे, कुछ पूर्व जनप्रतिनिधि होंगे, जो एक सहमति के आधार पर ग्राम सभा को भी बताया जाएगा, उसमें भी अगर कोई गलत आदमी